ऐसा युद्ध जो ना कभी न पड़ा और ना ही सुना होगा, जिसमें 28,000 की फौज का सामना महज 500 लोगों की फौज के साथ हुआ था, जिसमें जीत हुई थी उन 500 सूरवीरों की, जिसे भीमा कोरेगांव के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारतीय जातिवादी इतिहासकारों ने इस युद्ध और उन 500 सूरवीरों की वीरता को कहीं विस्तार नहीं दिया, क्योंकि ये 500 लोग, ये 500 सैनिक जाति से अछूत और महार थे, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए उन 28,000 पेशवाओं की पेशवाई खत्म कर दी थी। आइए जानते हैं 500 महार सैनिक और भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में। कोरेगांव महाराष्ट्र प्रदेश के गुना जनपद की सिरूर तहसील में गुना नगर रोड पर भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिसे भीमा नदी के तट पर होने के कारण भीमा कोरेगांव के नाम से भी जाना जाता है। उस समय पेशवाई शासकों द्वारा अछूतों पर अमानवीय अत्याचार की बाढ़ थी। इनके शासन काल में कोई ब्राह्मण यदि सड़क पर चल रहा है तो उस रास्ते पर अछूतों को चलने की मनाही थी, ताकि उनकी छाया से भी भ्रष्ट न हो जाए। अछूतों की अपनी कलाई में, अपने गले में निशानी के तौर पर काले धागे को बांधना पड़ता था, ताकि भूलकर भी कोई हिंदू उन्हें छू न सके। उन्हें आदेश था कि वे अपनी कमर में झाड़ू बांधे, ताकि चलने से भूमि पर उनके निशान न रह जाए और ब्राह्मण उन पथ पर चलने से अपवित्र न हो जाए। उन्हें गले में हांडी टांगनी पड़ती थी, ताकि अगर उन्हें थूकना हो तो वो जमीन पर न थूक कर उस हांडी में थूके, ताकि उनके थूक पर किसी हिंदू या ब्राह्मण का पाँव न पड़ जाए और वह अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं के इन घोर अत्याचार और शोषण के कारण उन महारों और अछूतों के अंदर ही अंदर असंतोष व्याप्त था। वे इन जुल्मों का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। जब महारों का स्वाभिमान जागा तो वहाँ के महार अंग्रेज की सेना में भर्ती हो गए। अंग्रेज अपनी सत्ता को स्थापित करना चाह रहे थे, तो उन्हें महार जाति का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि महार कद काठी में दमदार और निडर थे। अंग्रेजों की नजर पेशवाओं की सल्तनत पर थी, इसलिए अंग्रेज अपनी सेना के साथ भीमा से निकल चुके थे। उस समय उनकी फौज 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट में मात्र 500 महार थे, जिनमें से 260 घुड़सवार, 25 तोप चालक थे। ये फौज 31 दिसंबर 1817 को रात में 25 मील पैदल चलकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे कोरेगांव भीमा नदी के किनारे जा पहुंची। ये फौज अंग्रेज कैप्टन स्टॉटन के नेतृत्व में नदी के एक तरफ थी, तो दूसरी तरफ बाजीराव की विशाल फौज थी, जिसका नेतृत्व दो सेनापति राव बाजी और बापू खोखले के नेतृत्व में 28,000 सैनिक नदी के किनारे पर काफी दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसमें 25,000 पैदल और 3,000 घुड़सवार थे। सुबह 9 बजे युद्ध शुरू हुआ। कैप्टन स्टॉटन ने पेशवाओं की विशाल सेना को देखते हुए अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। पेशवाओं के अत्याचार से तिलमिलाए महार अपने सम्मान और आजादी के लिए बिजली की गति से लड़े, और महार सेना वहां से पीछे नहीं हटी और अपनी आजादी के लिए पेशवाओं की सेना पर टूट पड़े और तबाही मचा दी, क्योंकि उन महार अछूतों को पता था यही एक मौका है जिससे हम शोषण और अत्याचार का बदला ले सकते हैं। पेशवा सेना धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाती जा रही थी। लगभग शाम 6 बजे महारों ने पेशवाओं को नदी के दूसरे किनारे पर खदेड़ दिया और लगभग रात 9 बजे मैदान छोड़कर भाग गए। इस लड़ाई में मुख्य सेनापति राव बाजी भी मैदान छोड़कर भाग गया, पर दूसरे सेनापति के भागते हुए महारों ने उसे पकड़कर मार डाला। इस प्रकार लड़ाई एक दिन और एक रात लगभग 9:30 बजे लगातार 12 घंटे लड़ी गई, जिसमें महारों ने अपनी सूरता और वीरता का परिचय देकर विजय हासिल की। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुर्म करने वाले पेशवाओं के पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस युद्ध में 30 महार सैनिक और 5 अफसर शहीद हुए थे। शहीद हुए महारों के नाम विजय स्तंभ पर अंकित हैं, जो इस प्रकार हैं। इस लड़ाई में महारों का नेतृत्व करने वालों के नाम निम्न हैं। संग्राम में जख्मी हुए योद्धाओं के नाम इस प्रकार हैं। इस युद्ध में जिन महार सैनिकों ने वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया, उनकी याद में अंग्रेजों ने उनके सम्मान में सन 1822 ईस्वी में कोरेगांव के भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों का एक क्रांति स्तंभ का निर्माण कराया। अंग्रेजों ने जो विजय स्तंभ बनवाया, वहां उनके शहीद हुए महारों की वीरता के संबंध में अंग्रेजों के स्तुति युक्त वाक्य लगे रहे। ब्रिटिश सेना को जो पूर्व के देशों में जो कई प्रकार की जीत हासिल हुई, उनमें ये अद्भुत जीत थी। इस स्तंभ को हर साल 1 जनवरी को देश की सेना अभिवादन करने आया करती थी।
इसे सबसे पहले महार स्तंभ फिर बाद में जय स्तंभ के नाम से जाना गया। यह स्तंभ 25 गज लंबी, 6 गज चौड़ी और 6 गज ऊंचे प्लेटफॉर्म पर 30 गज ऊंचा स्थापित है। 1851 में एक सैन्य समारोह में अंग्रेजी सरकार ने शहीद हुए सैनिकों को मेडल देकर सम्मानित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हर साल 1 जनवरी को अपने शहीद हुए पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आते थे। आज भी इस पवित्र स्मारक पर लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं।